तीन चार चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आप सब जानते हैं कि ये RTI का बहुत ही फ़ायदा हो सकता है और बहुत ही फ़ायदा हुआ है, उससे बहुत लोगों को लाभ हुई है। और जो मुद्दे खड़े हैं जैसे पेंशन का हो या राशन का हो, उनकी सब सुलझन हो चुकी है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे इन साहब ने कहा था कि इनकी पेंशन रुक गई थी, पेंशन नहीं मिल रही थी, तो इनको RTI का इस्तेमाल करना पड़ा और उसके बाद उनको उनकी पेंशन मिली। यहाँ पे इनकी विडो पेंशन रुक गई थी, अभी तक मिली नहीं है, अभी वो मिली है। मैं ये ज़रा जानना चाहता हूँ कि अगर कोई आम आदमी, हम जैसे लोग कोई गलती करते हैं तो सरकार हमें जेल में डाल देती है, केस फाइल कर देती है, जेल में डाल देती है और फिर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पर अगर कोई सरकारी अफसर हो जिसने पेंशन रोकती हो या विडो पेंशन रोकती हो या किसी और गलत कोई और गलत काम किया हो और RTI के इस्तेमाल से फिर उनको पेंशन मिल जाती है, उस अफसर के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है या नहीं होती है, और अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? अब जैसे इनको RTI का इस्तेमाल करना पड़ा और फिर उनको पेंशन मिल गई, तो जिस अफसर ने इनकी इनकी पेंशन रोकी थी उसके खिलाफ कुछ हुआ कि नहीं? अगर इनको गलत पेंशन मिल जाती तो इनको शायद जेल में डाल देते, पर जिस आदमी ने इनकी पेंशन रोकी है उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। ये एक चीज़ है जो मेरे ख्याल सोचना चाहिए कि अगर कोई गलत काम करे, RTI का अगर इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि उनकी पेंशन रुक गई है या उनको राशन नहीं मिला है या कोई और स्कूल में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो जिस आदमी ने या जिस अफसर ने गलत काम किया है उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। भार्गव साहब यहाँ पे हैं, मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास इन टाइप की केसेस आ जाएँ तो आप उनके खिलाफ पेनल्टी लगाइए, कुछ उनसे कहिए 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी कुछ है कुछ ना कुछ तो उनके खिलाफ पेनल्टी या फाइन लगानी चाहिए, जिससे कि लोगों को पता पड़ जाए, सरकार को पता पड़ जाए कि ये गलत काम नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी पिछले 2-3 महीने पहले जुलाई अगस्त में जो अमेंडमेंट हुए थे RTI Act, उनसे मेरा क्या काफ़ी नुकसान हो सकता है। जहाँ तक मुझे याद है कि शायद फरवरी या मार्च में या जनवरी में एप्लीकेशन मांगे गए थे इलेक्शन कमीशन, वो इंफॉर्मेशन कमीशन के अपॉइंटमेंट्स के लिए, और उन एडवर्टीजमेंट्स में जब वो अखबारों में छपा था कुछ बताया नहीं था कि आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितना वेतन मिलेगा, आपके क्या फ़ायदे होंगे, क्या टर्म्स ऑफ सर्विस होगी, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया था। और अब जो अमेंडमेंट आया है 2-3 महीने पहले, उसमें भी कुछ लिखा नहीं है कि क्या वेतन होगी, कितने साल आपकी, 5 साल के बजाय आप कितने देर के लिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। रूल्स अभी तक बने नहीं हैं, जैसे हमें अभी बताया गया 2-3 महीने उसमें निकल गए। अब जिन लोगों ने जनवरी फरवरी मार्च में अप्लाई किया था, पता नहीं अगर उनको कोई इंटरेस्ट है इसमें दोबारा बनने का, इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने का, क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं कि उनको कितनी वेतन मिलेगी, उनको पता नहीं कि वो 6 महीने रहेंगे या 5 साल रहेंगे या 2 साल रहेंगे या 3 साल रहेंगे। तो इससे मेरे ख्याल काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर किसी आदमी को पता नहीं है, किसी आदमी या किसी महिला को पता नहीं है कि उनकी नौकरी 2 महीने के लिए है या 6 महीने के लिए है या 2 साल के लिए है, उनको कितनी वेतन मिलेगी, उनके क्या टर्म्स ऑफ सर्विस हैं, तो वो लोग ऐसे अप्लाई क्यों करेंगे? तो जब तक ये ठीक से कुछ रूल्स फ्रेम ना हो, और पता नहीं रूल्स कब फ्रेम होंगे, जब तक ये रूल्स फ्रेम नहीं होंगे तब तक मेरे ख्याल नुकसान जो है RTI को होता ही रहेगा। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो वैकेंसीज हैं जहाँ पे लोग जितने मेरे ख्याल 350 के आसपास इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं पूरे देश में, मुझे पता नहीं कितने पोजीशन में हैं, पर वहाँ पे वैकेंसीज बहुत हैं। आज अखबार में आया था, और ये तो मेरे ख्याल एक हंसी मजाक का खेल बन रहा है, कोर्ट्स में भी लोगों जजेस को अपॉइंट नहीं किया जा रहा। आज सुबह एक हिंदी अखबार में आया था कि 420 जजेस की कमी है। जब मैंने उसे पढ़ा मुझे लगा कि 420 जजेस मतलब कि रोज
420 करते हैं, उनकी कमी है या क्या? उसके बाद जब मैंने पढ़ा तब मुझे पता पड़ा कि 1000 जज हैं, उनमें से 420 कम है। ये नहीं कि 420 जजेस, 420 की वजह से कम है, 420 की जज। तो अब ये मजाक सा जैसे बन रहा है। तो इंफॉर्मेशन कमीशन में भी अब इतनी सारी वैकेंसीज हैं, अब पता नहीं अब कौन इसके बारे में क्या कहेगा। और जब तक ये वैकेंसीज अगर लोग वहाँ पे आएंगे नहीं, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, जो अपील्स हैं, ये सब पेंडिंग रहेंगे। एक साल पेंडिंग रहेंगे, 2 साल पेंडिंग रहेंगे, 3-3, 4-4 साल पेंडिंग रहेंगे। और जिनको उसका फ़ायदा हो सकता है, जैसे पेंशन मिलनी हो या कुछ और फ़ायदा हो सकता है, किसी स्कीम का बेनिफिट हो सकता है, वो सब रुक जाता है। तो इससे नुकसान आम जनता का नुकसान होता है, सरकार का तो नुकसान नहीं होता, पर आम जनता जिनको वो बेनिफिट या जिनको वो स्कीम का फ़ायदा होना चाहिए, उनको वो फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये मैं कहा सरकार को ज़रूरी देखना चाहिए, या सरकार या जो भी कोई है जिनको देखना है, उनको ज़रूरी देखना चाहिए कि ये वैकेंसीज क्यों हैं और इनको कम से कम समय में इनको भरना चाहिए। 2-3 और चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये जो स्कीम्स हैं, सरकार ने काफ़ी स्कीम्स, अच्छी अच्छी स्कीम्स निकाली हैं। मनरेगा की स्कीम निकाली है, विडो पेंशन की स्कीम निकाली है, वृद्धों के लिए कुछ स्कीम निकाली हैं। और जब तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, तो वो इन स्कीम्स का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं अभी भार्गव साहब से बात कर रहा था इस चीज़ के बारे में, और उन्होंने कहा, और मैंने कहा ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन उन्होंने बताया है, कि सब लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास, 70 करोड़ लोगों के पास हिंदुस्तान में मोबाइल फ़ोन हैं। तो सरकार क्यों नहीं एक मोबाइल ऐप बना ले, जिससे कि अगर कोई आदमी या कोई महिला जानना चाहता है या जानना चाहती है कि कोई स्कीम है, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर वो स्कीम के अंदर एलिजिबल है या नहीं है, तो अगर वो इस टाइप का मोबाइल ऐप अगर सरकार बना दे, तो उससे बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। लोगों को स्कीम्स का बेनिफिट मिल सकता है, स्कीम्स का फ़ायदा मिल सकता है, और RTI के एप्लीकेशन भी वो फाइल कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल सरकार को ज़रा सोचना चाहिए। और मेरी अर्जी ये है भार्गव साहब से, कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो केसेस की सुनाई हो रही है, उनकी लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन पे दिखा सकेंगे। तो आप ये भी ज़रा सोच लीजिए कि अगर कोई केस आपके पास आया, उसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट हो, तो वो आप उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट करें, जिससे कि सब लोगों को पता पड़े कि ये केस क्या है और इसमें क्या फैसला क्या हो रहा है, क्या बहस हो रही है, सरकार क्या कह रही है, आम जनता क्या कह रही है, इसके बारे में बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। और मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि अगर आप पेनल्टी या फाइन या जो भी कुछ है कॉस्ट अगर लगा सकें जिन अफसरों पर जो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को RTI एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, अगर वो भी आप सोच लें, तो मेरा काफ़ी हद तक ये सब केसेस जो हैं ये निपट सकती हैं। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि केस मैनेजमेंट, हम कोर्ट्स में कचहरी में केस मैनेजमेंट की बहुत बात करते हैं कि केस मैनेजमेंट होनी चाहिए, केसेस का फैसला जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि केस का फैसला 5 साल के बाद हो या 10 साल के बाद हो, उसे तो फ़ायदा किसी को होता नहीं है। जो आदमी या जो महिला कोर्ट में आती है, उसको पता पड़े कि मेरा फैसला अभी 5 साल के बाद होगा या 10 साल के बाद होगा, आधे लोग तो वैसे भी नहीं आते हैं, उनके पास इतना टाइम कहाँ पर 10 साल वेट करने के लिए। तो अगर कुछ केस मैनेजमेंट के बारे में सोचे, इंफॉर्मेशन कमीशन के लोग सोचे कि केस मैनेजमेंट कैसे करें। अभी 270,000 अपील्स मेरे ख्याल पेंडिंग हैं, जो इंफॉर्मेशन कमीशन पे 270,000 अपील्स पेंडिंग हैं, उनको कैसे निपटाया जाएगा? अब उनको 5 साल के बाद अगर उनकी सुनाई होगी, तो जो RTI का एप्लीकेशन है, उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो कुछ केस मैनेजमेंट टेक्निक्स, जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल ऐप्स है, कंप्यूटर्स हैं, ये जो सब हमारे पास जो तकनीकी सुविधाएँ हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी जितने भी अपील्स हैं और जितने भी केसेस हैं, एप्लीकेशन पेंडिंग जो हैं, 60 लाख हर साल फाइल होते हैं, उनका कुछ जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए। 1-2 साल के बाद अगर फैसला हो गया, तो उससे तो कोई खास फ़ायदा तो होगा नहीं। अगर 1-2 महीने में या 3-4 महीने में हो गया, तभी उन लोगों को कुछ सुविधा होगी और कुछ फैसला जल्दी से जल्दी अगर हो गया, तो उनको बेनिफिट
सकता है। मैं सिर्फ यही कुछ कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।